उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह का बयान, मतदाता सूची में हेराफेरी कर रही भाजपा सरकार। अखिलेश यादव के बयान पर बोले कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह, जब जब समाजवादी पार्टी खास रूप से चुनाव में अपना निराशाजनक परिणाम लाती है, निराशाजनक परिस्थितियां बनती हैं, तब तब चुनाव आयोग के ऊपर, मतदाता सूची के ऊपर या प्रशासन के ऊपर, शासन के ऊपर अपना ठीकरा फोड़ने का काम करती है। मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है। संवैधानिक संस्था अपना काम करती है। भारत निर्वाचन आयोग स्वतंत्र एजेंसी है। वह निष्पक्षता से चुनाव कराने का पूरा प्रयास कराया जाता है। सारा तंत्र जब चुनाव होता है तो भारत निर्वाचन आयोग के हाथ में चला जाता है। सारे अधिकार उसे प्राप्त हो जाते हैं और कहीं भी कोई त्रुटि रहने की संभावना नहीं बनती है। इस बार की दिवाली अयोध्या में खास होगी। अयोध्या में दिवाली पर इस बार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेगा। पर्यटन एवं संस्कृति विभाग पिछली बार 17 लाख दीप प्रज्वलित कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया गया था, जिसका श्रेय भी मुझे मिला था। इस बार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 21 लाख दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह, देखिए, जब जब समाजवादी पार्टी खास रूप से चुनाव में निराशाजनक अपना परिणाम लाती है या निराशाजनक स्थितियां परिस्थितियां बनती हैं, तब तब चुनाव आयोग के ऊपर, मतदाता सूची के ऊपर या प्रशासन के ऊपर और शासन के ऊपर अपना ठीकरा फोड़ने का काम करते हैं। मैं समझता हूं कि ये उचित नहीं है। संवैधानिक संस्था अपना काम करती है। भारत निर्वाचन आयोग स्वतंत्र एजेंसी है जो निष्पक्षता से चुनाव कराने का पूरा प्रयास कराया जाता है। सारा तंत्र जब चुनाव होता है तो चुनाव भारत निर्वाचन आयोग के हाथ में चला जाता है। सारे अधिकार उसे प्राप्त हो जाते हैं और कहीं भी कोई त्रुटि रहने की संभावना नहीं बचती। स्वास्थ्य विभाग से संबंधित एक शिकायत लगातार मिल रही है, ऑडियो वायरल हो रहा था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलने के लिए रुपए लिए गए, क्या अब तक कार्यवाही के लिए आपने सीएमओ से कहा? देखिए, उसमें जो भी आपने संज्ञान में लाया मामला, उसमें जाँच 3 सदस्यीय कमेटी बना के जांच कराई जा रही है। बहुत शीघ्र जांच प्रस्तुतिकरण के लिए भी सीएमओ से कह दिया गया है कि निष्पक्ष स्वतंत्र रूप से जांचो, पारदर्शिता से जांचो, जो भी दोषी आए उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई भी हो। जो भी जांच होगी स्वतंत्र और निष्पक्ष होगी, कोई प्रभावित नहीं होगी। अगर कोई दोषी पाया जाता तो निश्चित रूप से कार्रवाई करी जाएगी, उसमें कोई कोताही नहीं। महर्षि मार्कंडेय की घटना में एक बहुत हादसा हुआ, क्या शासन स्तर पर कुछ उनको सारे जो 4 मृतक हैं, 3 पहले मैंने एक साथ और एक्सपायर किया गया, तीन ही है ना, तीन चार लोग डूबे थे, एक संभवतः उसका पीजीआई सैफई में इलाज चल रहा है, 3 उसमें मृतक संख्या हुई है। तीनों को कल ही शासन के द्वारा 4-4 लाख रुपया उनके खाते में, परिवार के खाते में भेजने के लिए निर्देश दिया गया था। संभवतः कल 2 के खाते में पैसा चला गया है, एक कोई टेक्निकल उसमें कुछ गड़बड़ी थी, वो आज पैसा जा रहा है। तीनों को 4-4 लाख रुपया उत्तर प्रदेश शासन की ओर से परिवारजनों को भेज दिया। मंत्री, 3 राज्यों में बहुत जल्दी चुनाव होने के लिए देखा गया है केंद्रीय बॉडी काम कर रही है, स्थानीय बॉडी को बिल्कुल निष्क्रिय कर दिया, क्या वजह है, कुछ भय व्याप्त है क्या? 3 राज्य जो मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, बहुत जल्दी चुनाव होने वाले, देखा गया तो स्थानीय केंद्रीय टीम सब कुछ सुपुर्द करे बैठी है, स्थानीय बॉडी को निष्क्रिय कर दिया, क्या समझा जाए? भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को चयन से लेके सारी रणनीति बनाने तक का जमा केंद्रीय चुनाव समिति को होता है। स्टेट अपनी रिकमेंडेशन जो केंद्रीय चुनाव समिति होती है पार्टी की, उसको प्रस्तुत करती है और सारे निर्णय केंद्रीय समिति करती है। केंद्रीय समिति का मतलब प्रत्याशी चयन से लेके उस स्टेट के चुनाव की रणनीति तक की जिम्मेदारी केंद्रीय समिति की होती है। ये परंपरागत व्यवस्था है, उसी व्यवस्था के साथ सारे निर्णय हो रहे हैं। ये कहना कि इसे शिथिल कर दिया, उसे शिथिल कर दिया, इसे आगे पीछे कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता, न कुछ होगा। केंद्रीय मंत्री कैलाश वर्गीय है, उन्होंने एक स्टेटमेंट, विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छुक नहीं थे, हम तो समझ ही नहीं पा रहे हैं इतने बड़े नेता होने के बाद न विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ने कहा है। ये नहीं कहा, उन्होंने कहा मैं तो नेता था, मीटिंग करे, भाषण दिया और चल दिया, इसमें था, लेकिन मुझे लगा दिया गया है तो मैं लड़ूंगा चुनाव, तो क्या गलत कहा गया? देखो उसका अनर्थ आप क्यों लगा रहे हैं? अनर्थ कहाँ लगा रहे हैं? अनर्थ तो है ही, उन्होंने कहा कि मैं तो नेता था, अपना भाषण देता था, आगे चल देता था,
तो उसकी जगह मुझे चुनाव पे लगा दिया गया है, तो जैसे पार्टी का आदर्श उसका पालन करूंगा, तो यही तो कहेगा। जैसा कि आपको पता होगा कि पिछले साल दीपोत्सव अयोध्या में आयोजित हुआ था, 17.5 लाख दिए जला करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, और गिनीज बुक का जो सर्टिफिकेट है वो भी हमारे हाथ से ही मिला है, हमें ही मिला है अपना ही रिकॉर्ड। इस बार 21 लाख दिए जला करके तोड़ने का काम पर्यटन विभाग करेगा, संस्कृति पर्यटन विभाग तैयारी कर रहा है कि 21 लाख से ज़्यादा दिए इस साल जला के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ के पुनः नया रिकॉर्ड काम करेंगे। उत्तर प्रदेश शासन प्रणाली में आप टॉप 10 में 5वें नंबर पे आते हैं, क्या कहें? तो आपको खुशी है या कष्ट है? हम तो चाह रहे हैं मैनपुरी को खुशी होना चाहिए कि आज सबसे बड़ी उपलब्धि संस्कृति विभाग की, कल की कैबिनेट में लगभग 33 बीघे जमीन CDO कार्यालय के बराबर में, जिस पर ऑडिटोरियम बनना है, जिस पर म्यूजियम बनना है, और जिस पर पुस्तकालय बनना है, गेस्ट हाउस बनना है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, मैनपुरी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा। और सबसे जो बड़े बड़े महानगरों में उपलब्धि होती है वो मैनपुरी के लिए नई स्वीकृत उसके लिए जमीन की हुई है, क्योंकि वो जमीन उसका कुछ हिस्सा ग्राम विकास विभाग के नाम था जो संस्कृति विभाग को ट्रांसफर होना था। उत्तर प्रदेश की कल की 22 सर्कुलर कैबिनेट बैठक में कैबिनेट ने वो जमीन ग्राम विकास की जमीन पर हमारे संस्कृति विभाग को देने का काम किया है। तो माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद आभार कि मैनपुरी को एक बड़ा तोहफा कल मैनपुरी को मिलने का काम हुआ है। मथुरा का प्रतिष्ठित RK ज्वेलर्स, एक ऐसा नाम जहां मिलती है आपको शुद्धता की 100% गारंटी और मिलता है आभूषणों के खरा होने का विश्वास। साथ ही सोने चांदी और हीरे जवाहरात से बने सैकड़ों डिजाइन के आभूषण, जैसे लॉन्ग हार, माथा पट्टी, झूमर, बोलना, ब्राइडल सेट्स, रजवाड़ा सेट और भी बहुत कुछ। लगातार 35 सालों से आपकी सेवा में है तत्पर RK ज्वेलर्स, छत्ता बाजार, होलीगेट, मथुरा। इनका नंबर है 7669181040।